बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का आया तूफान। बांग्लादेश की गेंदबाज और कप्तान की उड़ा कर रख दी धज्जियां, तोड़ दिया बरसों साल पुराना रिकॉर्ड। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को बिखेर कर रख दिया भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरू ने। इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बांग्लादेश की टीम रोते विलखते नजर आई। पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया, कांच के टुकड़ों की तरह तोड़कर रख दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने पहले T20 मुकाबले में ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहरा मचा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। जैसा कि भारतीय टीम 3 मैचों की ODI सीरीज श्रीलंका से हार चुकी थी, जैसा कि भारतीय टीम काफी ज्यादा सदमे में थी और काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि भारतीय टीम को पहली बार लगातार 3 मुकाबले में किसी भी टीम ने हराया था। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान सोच रहे थे जिस तरीके से श्रीलंका से भारतीय टीम हार के आ रही है, अब हम बांग्लादेशी की टीम है वो तीनों के तीनों T20 के मुकाबले जीत लेंगे और भारतीय टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सबसे बड़ी भूल बेवकूफी। T20 के कप्तान रोहित शर्मा नहीं बल्कि यहां पर T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे और यहां पर गौतम गंभीर ने T20 के कप्तानी को जिम्मा है वो सूर्य कुमार यादव के हाथों में दिया था। मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और हार्दिक पांडे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कोहरा मचा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की हेकड़ी निकाल के रख दी। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच जब टॉस पहले T20 के मुकाबले का उछाला गया तो टॉस जो बांग्लादेश के पक्ष में जाकर के गिरा, जहां पर बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान बेहद ही ज्यादा खुश हुए। शायद उन्हें लगा कि टॉस की बाजी हम जीत गए हैं तो इस मुकाबले को भी बेहतरीन तरीके से जीत लेंगे और भारतीय टीम को 100-150 रनों के भीतर खदेड़कर अपना पहला T20 का मुकाबला जीतकर शुरुआत करेंगे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान सबसे पहले मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज आया जो काफी ज्यादा जोश और जुनून में दिख रहा था, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए गए SSV जायसवाल, शुभमन गिल, दोनों खतरनाक विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज। आप सभी को बता दें SSV जायसवाल ने पहले ही ओवर में बांग्लादेश के गेंदबाजों की हेकड़ी निकाल के रख दी और पहले ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। SSV जायसवाल वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जो बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुका है। SSV जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा और काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में जायसवाल बल्लेबाजी करने लगे, तो वहीं दूसरे ओवर की घातक विस्फोटक बल्लेबाज 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का यहां पर सुमन गिल ने ठोक दिया। सुमन गिल और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज SSV जायसवाल दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे और भारतीय टीम के तूफानी दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। SSV जायसवाल ने तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 1 और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 10 रन फिर ठोक दिए, तो वहीं चौथे ओवर की 6 गेंदों पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सुमन गिल ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। चौथे ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया, चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए। यहां पर SSV जायसवाल भी देख करके हैरान रह गए। सुमन गिल ने चौथे ओवर की 6 गेंदों पर 28 रन ठोक दिए, बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी, तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज SSV जायसवाल ने 5वें ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया, 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए जहां पर स्ट्राइक अपने हाथों में रखी और SSV जायसवाल ने 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया। यहां पर SSV जायसवाल को आउट करने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। SSV जायसवाल ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 छक्के और 3 चौके ठोक दिए और बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए, तो वहीं यहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा 6ठे ओवर की दूसरी बॉल पर। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जब सुमन गिल आउट हुए 6ठे ओवर की दूसरी बॉल पर, यहां पर जब सुमन गिल आउट हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। 48 रन ठोकर के सुमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने IPL 2024 में काफी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की थी और यहां पर T20 के मुकाबले में आते ही ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और
कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर छठे ओवर की चार गेंदों पर लगातार गगन चुमती चार छक्के ठोक दिए। अभिषेक शर्मा जैसे ही मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, सातवें ओवर की दूसरी गेंद पर 62 रन ठोक करके तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आउट हुए। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़। अब ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कहर नहीं बल्कि कोहरा मचा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाकर गिर दीं। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार इन तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। कोच राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर भी हैरान थे भारतीय टीम की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर। भारतीय टीम के ताबड़तोड़ विस्फोटक शेर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। आठवें ओवर की छह गेंदों पर लगातार चार छक्के दो चौके अभिषेक शर्मा ने ठोक दिए और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहरा मचा दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 19 रन ठोक करके आउट हो गए नवे ओवर की दूसरी बॉल पर। जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। अब ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहरा मचा दिया। ऋषभ पंत ने बची नवे ओवर की तीन बॉल पर लगातार तीन चौके ठोक दिए और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। ऋषभ पंत काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को एक और काफी बड़ा झटका लगा जब अभिषेक शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर 52 रन ठोक दिए और जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट हुए मैदान पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है और वो काफी बेहतरीन विस्फोटक लंबी पारी खेल सकते थे, लेकिन विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का साथ देने के लिए फिर मैदान पर तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था हार्दिक पांड्या। जी, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। पंत और हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। हार्दिक पांड्या ने 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक छक्का ठोक दिया, 10वें ओवर की चौथी बॉल पर एक चौका ठोक दिया, 10वें ओवर की पांचवीं बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया और छठी बॉल पर फिर दो रन ले लिए। यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं 11वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम को एक और काफी बड़ा झटका लगा जब तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर बल्लेबाज यहां पर ऋषभ पंत 21 रन ठोक करके आउट। भारतीय टीम के फैंस, कोच राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी, पूरी की पूरी टीम काफी ज्यादा हैरान और परेशान थी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और विकेट कीपर बल्लेबाज अब ऋषभ पंत आउट हो चुके थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारतीय टीम 150 रन भी नहीं पूरे कर पाएगी और पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय टीम को कोई 10 तो कोई 21 तो कोई 18 तो कोई 9 रन बना करके आउट हो गया। यहां पर भारतीय टीम पूरी की पूरी काफी ज्यादा हैरान और परेशान थी, लेकिन फिर मैदान पर एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था सूर्य कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। सूर्या का बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चलने लगा। सूर्य कुमार यादव की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लगातार 11वें ओवर की 6 गेंदों पर गगन चुंबती 6 छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव जैसे ही मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या यहां पर आप सभी को बता दें 24 रन ठोक करके आउट हो गए, दो छक्के और एक चौके की मदद से। हार्दिक पांड्या सिर्फ 24 रन बनाकर के आउट हुए, जहां पर भारतीय टीम को एक और काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन अब टीम इंडिया की रनों की जिम्मेदारी और जीत की जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह के कंधों पर आ चुकी थी, क्योंकि रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दो ऐसे बल्लेबाज बचे थे जो रनों को खींचकर 200, 300, 400 ले जा सकते थे, वरना 100-150 रनों की भीतर पूरी की पूरी टीम जो है पलट जाएगी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। रिंकू सिंह महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप सभी को बता दें, रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 12वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगन चुंबती 6 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। अब बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के होश उड़ गए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को आउट करने के लिए, और
रिंकू और सूर्या छक्के पर छक्के चौके पर चौके ठोक रहे थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड युवराज सिंह का तो रिंकू सिंह ने पल भर में ही तोड़ दिया और लगातार 6 गेंदों पर गगन चुंबती 6 छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव ने 13वें ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव को चौका ठोका। सूर्य कुमार यादव ने 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगन चुंबती छक्का ठोक दिया 132 मीटर लॉन्ग। यहां पर सूर्य कुमार यादव ने 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर दो रन लिए जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी और सूर्य कुमार यादव ने 13वें ओवर की चौथी पांचवीं छठी लगातार 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के ठोक करके एक ही ओवर में 32 रन ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और सूर्य का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सूर्य कुमार यादव की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के होश उड़ गए। सूर्य कुमार यादव तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह भी कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो बार बार रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी, तूफान ला रही थी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गजों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से डटकर बल्लेबाजी की। दोस्तों आप सभी को बता दें, रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगन चुंबती 6 छक्के ठोक दिए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की हेकड़ी निकाल के रख दी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो करें कैसे। गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित विराट के भी पसीने छूट गए जब रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने दोहरी दोहरी शतकीय पारी खेल डाली महज 15वें ओवर तक जाते थे, क्योंकि 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। अब सूर्य कुमार यादव और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चल रहा था तो वहीं 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की और चौके और एक आसमानी गगन चुमती छक्का फिर रिंकू सिंह ने ठोक दिया। तो वहीं 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 छक्के 2 चौके यहां पर सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके फिर यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। रिंकू सिंह ने 19वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 20वें ओवर तक जाते आते 310 रन सूर्य कुमार यादव ने और 198 रन रिंकू सिंह ने ठोक दिए और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी टीम ने या किसी भी टीम के खिलाफ अभी तक T20 मुकाबले में इतने रन नहीं बने थे जितना रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। इनकी शेरों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान कांप उठे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गजों ने मैदान पर कोहराम मचा दिया और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए जल्जला ला दिया। लेकिन बांग्लादेश की टीम अभी भी काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने की उम्मीद से मैदान पर उतरी, जो काफी ज्यादा उछल रही थी और उछलने के बाद अपना रुतबा दिखा रही थी, क्योंकि शायद उन्हें अभी भी लग रहा था कि इस मुकाबले को हम जीत लेंगे और भारतीय टीम को हरा देंगे। सो बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सबसे बड़ी भूल बेवकूफी रही। पहला ओवर लेकर के गए कुलदीप यादव ने यहां पर 4 रन दिए, दूसरा ओवर लेकर गए हरदीप सिंह ने सिर्फ 2 रन दिए, तीसरा ओवर लेकर के रवि बिश्नोई ने सिर्फ 6 रन दिए, चौथा ओवर लेकर के मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट चटकाते हुए 4 रन दिए, चौथे ओवर में भारतीय टीम को पहला विकेट हासिल हुआ रवि बिश्नोई के चलते हुए मोहम्मद सिराज के चलते हुए, पांचवें ओवर में रवि बिश्नोई ने 1 विकेट चटका दिया, छठे ओवर में कुलदीप यादव ने 1 विकेट चटका दिया, रियान पराग ने 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए, जहां पर अब बांग्लादेश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन बांग्लादेश के 12वें ओवर तक जाते आते 4 विकेट तो जा चुके थे, लेकिन बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारतीय टीम यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें पहला T20 का मुकाबला हार जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी दिग्गज खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान परेशान थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गजों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी की। यहां की आप सभी को बता दें 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए रवि बिश्नोई के ओवर में और 14वां ओवर लेकर गए जब आवेश खान तो लगातार 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए और जब हर्षदीप सिंह 15वां ओवर लेकर गए तो लगातार 5 चौके और एक गगन चुंबती छक्का ठोक दिया। बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज आप सभी को बता दें मोहम्मद सिराज ने तूफानी विस्फोटक कमाल की गेंदबाजी करते हुए तूफानी विस्फोटक अंदाज में यहां पर 17वें ओवर में 2 विकेट चटका दिए। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटका दिए। हर्षदीप सिंह ने तूफानी विस्फोटक
गेंदबाजी करते हुए कमाल कर दिया। और हर्षदीप सिंह ने भी यहाँ पर 19वें ओवर में 2 विकेट छुटका दिए, जहाँ पर पूरी की पूरी टीम को 19वें ओवर में लपेट दिया और बांग्लादेश की हेकड़ी निकाल कर रख दी और पहला T20 का मुकाबला जीत लिया। फिलहाल भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच एक यहाँ वार्म मुकाबला था। ईश्वर से दुआएं कामनाएं बना रखे कि भारत वर्सेज बांग्लादेश का मुकाबला हो तो हमारी भारतीय टीम जीते। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।